नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, वज्रपात न्यूज में आप सबों का स्वागत है। गुनाहा प्रखंड में नवनिर्वाचित मुखिया संघ के अध्यक्ष बने प्रदीप पंजियार व उपाध्यक्ष छोटन शाह। गुनाहा जमनिया से धनेश्वर कुमार की रिपोर्ट। नवनिर्वाचित प्रखंड मुखिया संघ की बैठक शुक्रवार को देर शाम सोदर धर्मशाला में राम बिहारी महतो की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। मुखिया संघ की बैठक में 18 मुखिया में 14 मुखिया उपस्थित थे। पूर्व में दो बार हुई मुखिया संघ की बैठक में उप अध्यक्ष पद पर सहमति नहीं हो पाई थी, परंतु शुक्रवार को नवनिर्वाचित मुखिया संघ की बैठक में सर्वसम्मति से धनौजी मुखिया प्रदीप पंजियार को अध्यक्ष पद हेतु मनोनीत किया गया। ऐसे ही रुपोलिया पंचायत के मुखिया छोटन शाह को उपाध्यक्ष, डरौल मुखिया चुनमुन वर्मा को सचिव, मैनोल मुखिया हीरामणि देवी को उप सचिव तथा जमुनिया मुखिया विकी कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधियों को फूल माला पहनाकर तथा अबीर लगाकर सम्मानित किया गया। नवनिर्वाचित मुखिया संघ की बैठक में भाग लेने वालों में मझरिया मुखिया चिंता देवी, धनौजी मुखिया प्रदीप पंजियार, धमौरा मुखिया राम बिहारी महतो, डरौल मुखिया चुनमुन वर्मा, जमुनिया मुखिया विक्की कुमार, मटियरिया मुखिया दिवाकर पटवारी, मैनोल मुखिया हीरामणि देवी, बिथारवा मुखिया मुन्नी देवी, सिटी मुखिया मतराजी देवी, गुनाहा मुखिया प्रतिमा देवी, दोमाठ मुखिया अंतिमा देवी, मुही मुखिया सोहर चौधरी, रुपोलिया मुखिया छोटन शाह तथा बेलसंडी मुखिया शंभू राउत शामिल थे। जबकि मुखिया संघ की बैठक में कतिपय कारणों से बजड़ा मुखिया जयप्रकाश महतो, माधोपुर मुखिया मंजुला देवी, बेलवा मुखिया मंजीता तारपुरिया तथा लचनौता मुखिया तैपुल हयात उपस्थित नहीं थे।